आज विजयदशमी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में ऐशबाग की रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। पीओके में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लखनऊ की रामलीला में प्रधानमंत्री के शामिल होने को काफी अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री शाम 5:25 पर लखनऊ पहुंचेंगे। शाम 6 बजे पीएम मोदी ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां शाम 7 बजे तक वो रुकेंगे। पुतला दहन के बाद पीएम लोगों को संबोधित कर सकते हैं। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर राजनाथ ने कहा है कि ये सरकार कमजोर नहीं है, हम भारत के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। राजनाथ सिंह आज पीएम मोदी के साथ ऐशबाग में हो रही रामलीला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज से आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नई पोशाक पहननी शुरू कर दी है। 1925 में आरएसएस की स्थापना के बाद पहली बार संघ के ड्रेस में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। इसी साल मार्च में राजस्थान के नागौर में हुई आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में खाकी हाफ पैंट की बजाय भूरे रंग के ट्राउजर और खाकी मोजे की बजाय भूरे मोजे को मंजूरी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एडीआई बिल्डिंग में घुसे आतंकियों के सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। सोमवार सुबह 2 से 3 आतंकियों ने बिल्डिंग में घुसने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां एक कमरे में आग लगा दी थी और सुरक्षा बलों ने इस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हुआ है और फरवरी में भी वहां पर आतंकियों ने हमला बोला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में लश्करे तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के करीब 250 आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों की यह घुसपैठ पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के पहले हुई थी और अगर गृह मंत्रालय के सूत्रों की यह खबर पुख्ता तौर पर सच है तो ये पिछले दशक में आतंकियों की कश्मीर में सबसे बड़ी घुसपैठ है। खून की दलाली वाले राहुल गांधी के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि जो लोग रक्षा सौदों में दलाली करते हैं उन्हें ही इस शब्द का बेहतर मतलब पता है। उन्होंने 2006 के सबमरीन डील और अगस्टा वेस्टलैंड सौदे में दलाली का मुद्दा उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्रिकर ने कहा है कि मोदी सरकार ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। सेना ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा पार से आने वाली किसी चुनौती का सामना करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। सेना सोमवार को अपने साथ मीडिया की एक टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर गई थी और सेना के मुताबिक जवानों के हौसले बुलंद हैं और वो 2400 घंटे सजग हैं। कश्मीर में पैलेट गन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे पावर शेल्स कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। मिर्च पाउडर से भरे पावर शेल्स के फटने से पहले वापस सुरक्षा बलों तक उन्हें फेंका जा रहा है। सीआरपीएफ के इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद केंद्र पावर शेल्स के निर्माण के तरीके में कुछ बदलाव कर सकता है और ग्वालियर स्थित बीएसएफ के टियर स्मोक यूनिट को पावर शेल्स की कमियों को दूर कर नई खेप भेजने को कहा गया है। रक्षा मामलों पर संसद के पैनल ने 14 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग का एजेंडा सीमा पार छापेमारी से बदलकर सैन्य बलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी कर दिया है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने सांसदों को एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा उजागर करने पर ऐतराज जताया था। और दशहरे और दुर्गा पूजा को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। मंदिर मार्ग, पंचकुइया रोड, कनॉट प्लेस, राउडर्स सर्किल, मिंटो रोड समेत कई मार्ग 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहेंगे। रिंग रोड पर राजघाट से बुरारी तक ट्रैफिक दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक प्रभावित रहेगा। दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सड़कों पर जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है और बॉम्ब स्क्वाड कमांडो टीम, डॉग स्क्वाड टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। यूएवी समेत हवा में उड़ने वाले किसी भी व्हीकल के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है।
दिसंबर से रेलवे ग्लास सीलिंग वाले रेलवे कोच की सुविधा देना शुरू करेगा। स्विट्जरलैंड रेलवे की तर्ज पर इन लग्जरी कोच में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगे होंगे। रेलवे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है ऐसा पहला कोच कश्मीर की एक ट्रेन में लगाए जाएंगे, जबकि दो अन्य ग्लास सीलिंग वाले कोच को विशाखापट्टनम के आरकू घाटी से गुजरने वाली किसी ट्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। इन कोच की कीमत 4 करोड़ रुपए है। जेएनयू में योग कोर्स खारिज होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने नाराजगी जताई। महेश शर्मा ने कहा है कि जब बात प्राचीन भारतीय कला की हो तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। और उधर जेएनयू की काउंसिल मीटिंग में मारपीट का भी मामला सामने आया है। कुछ टीचरों ने स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पपीते में सोना छुपाकर तस्करी का खुलासा हुआ है। करीब 77 लाख की कीमत के गोल्ड के साथ कस्टम विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पपीते में गोल्ड के कई बिस्किट बरामद हुए हैं और वारदात 9 अक्टूबर की है। दोनों आरोपी बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी बाबू उर्फ हुमायूं कादिर यूपी के अमरोहा में हसनपुर से पार्षद है और पुलिस की माने तो हुमायूं कादिर पिछले 30 सालों से अपराध की दुनिया में है और हुमायूं कादिर पर अलग अलग थानों में 22 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मसाज पार्लर में काम करने की लालच देकर अपहरण करते थे और गिरोह ने दिल्ली के एक लड़के साहिल को इसी तरह का लालच दिया और हापुड़ बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने साहिल को बरामद कर लिया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शिवसेना की दशहरा रैली होगी। इस बार की दशहरा रैली कई मायनों में खास है। ये रैली का 50वां साल होगा और 1966 में बाबा साहेब ठाकरे ने इसे मैदान में शिवसेना का गठन किया था। सड़कों की खुदाई से मुंबई वालों को होने वाली दिक्कत पर बीएमसी सतर्क हो गई है। बीएमसी अब बार बार सड़कों की खुदाई नहीं करेगी बल्कि एक ही बार में सारा काम खत्म किया जाएगा ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। वीवीआईपी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 13 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी है। एक गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए है। केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों के दौरों पर इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली हुसैन नगर एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए और राहत की बात यह है कि हादसे के वक्त ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। ट्रेन यार्ड से निकलकर सीएसटी के प्लेटफॉर्म पर जा रही थी तभी दो डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से ट्रेन 6 घंटे देर से रवाना हुई। हरियाणा में कांग्रेस के दो गुटों में झड़प की जांच के लिए सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है जिसका जिम्मा पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील सिंधे को सौंपा गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा के समापन पर आयोजित रैली में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे जिसमें कई लोग घायल हुए थे।